अब बताएं विरोध का क्या कारण है, क्यों प्रति जला रहे हैं आप लोग? सर सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को सब पहले विद्यालय सेवा आयोग से जब बहाली होती थी, विद्यालय सेवा आयोग से जब बहाली होती थी फुल फ्लेजर फुल वेतनमान पे लोग बहाल हैं। एक ही स्कूल में हमारे कलीग 1,20,000 रुपये सैलरी लेते हैं, हमको 20,000 रुपये दिया जाता है। हमारी योग्यता में और उनकी योग्यता में क्या अंतर है ये बताया जाए हमें। हम भी पात्रता परीक्षा देकर आए हैं, TET देकर आए हैं, STATE देकर आए हैं, और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब आप लोग सुपर टेट दीजिए तब आपको राज्य अकेडमी का दर्जा लगेगा। सुपर टेट दीजिए, शायद सरकार को ये पता नहीं है सुपर टेट का एग्जाम लेने के पहले लिया जाता है, बहाल करने के पहले लिया जाता है, ये पता नहीं है सरकार को। जब हमने बहाल कर लिया है, जब हम सरकारी अकेडमी में आ गए हैं, तो हमें आपको बिहार राज्य का कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए 20 साल नौकरी करने के बाद। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। जब हमें इलेक्शन करवाना हो तो तुम सरकारी कर्मी, जब हमें जनगणना करवाना हो आज के डेट में सरकारी कर्मी, जब वेतन देना हो तो तुम नियोजित हो, मेरे तो हो ही नहीं, कौन है हम? इस तरह का दो रंग नीति क्यों किया जा रहा है हमारे साथ, क्यों किया जा रहा है? और सबसे पहली बात कि ठीक है आप एग्जाम दीजिए, अभी सातवां फेज का जो आएगा वो सुपर टेट का एग्जाम देने के बाद TET पास करने के बाद फिर एक आयोग के द्वारा, आयोग जो भी वो गठन करे, BPSC ले BSSC ले, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आयोग के द्वारा वो लोग आएंगे सातवां फेज में बहाल होंगे। और जो पहले से 2006 से लेकर अभी तक जो बहाल हुए हैं वो अगर राज्यकर्मी बनना चाहते हैं तो वो भी इस एग्जाम के थ्रू आएंगे तो वो राज्यकर्मी बनेंगे, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। वेतनमान हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वेतनमान? क्या हमें फुल फ्लेजर वेतनमान देंगे? इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, हिडन रखा है, हिडन। लेकिन सरकार तो कह रही है कि आकर्षक वेतनमान। आकर्षक मतलब सर ये होता है, आकर्षक का मतलब सर ये होता है कि मान लीजिए मुझे 5 रुपया मिल रहा है, इनको 15 रुपया मिल रहा है, मेरे लिए इनका वेतन 15 रुपया मेरे लिए आकर्षक है, लेकिन आज के महंगाई में ना तो मेरा 5 रुपया ज्यादा है ना तो इनका 15 रुपया ज्यादा है। आकर्षक क्या, क्या आकर्षक, क्या आकर्षक? बिल्कुल बना रहे हैं, आप बैठे बैठे आपको राजभवन में मिल जाता है 35,000 रुपया, ऐसा ही बढ़ गया, उस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं होता है। और हमें, हम शिक्षकों की जो कि हम भाग्य निर्माता भविष्य निर्माता